धारावी की पॉपुलेशन कितने किसी को पता है? धारावी के लोग क्या झेलते हैं? पर वॉशरूम होता है ना, बाथरूम टॉयलेट, 1400 लोग एक बाथरूम में जाते हैं। 1400 लोग? हाँ, गिनती कर लो। जाना है किसी वॉशरूम के बाहर, अभी आप चले जाओ। लेडीज बच्चे ये सब फेस करते हैं। भाई ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो यार नीचे से क्या है, कुछ एक पार्टीशन बना रखा है, ऊपर एक चोल टाइप की है छोटी सी, जो है हमारे यही रोजी रोटी यही करते है, काम आता है। अभी ये वो है, वो पागल है, ये पागल है, ये लोग कब चल जा रहे हैं ना, पागल है तो भी कमा रहे हैं, 10,000-8,000 मिल रहे हैं लोग को। बैठे बैठे ये सीधा करना उल्टा करना है, ये इतना कर लेते हैं। ये पागल है, वो पागल है, देखो जो पागल है, कम से कम इनको खाने का तो बंदोबस्त हो जा रहा है ना। तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आया, सायन रेलवे स्टेशन, सीप भी लिखा है हिंदी में वहाँ पे, बट सायन रेलवे स्टेशन के जैसे बाहर आया, यहाँ पे कुछ एरिया है धारावी, मतलब थोड़ी आगे से स्टार्ट होता है। अभी जो ये एरिया है धारावी से सटा हुआ एरिया है, यहाँ से बाई बॉक जाना है, बाई बॉक देखते हैं कितनी दूर जाना है। ये जो एरिया है ये भी सटा हुआ एरिया है, बट ये मेन धारावी नहीं है। धारावी के लिए अभी काफ़ी मीन समथिंग 500 मीटर पैदल जाना है, चलते हैं। भाई मैं धारावी के अंदर आ गया, अभी मैं हूँ 90 फीट रोड पे, यहाँ से अंदर जा रहा हूँ। सायन रेलवे स्टेशन से भाई बॉक आया, जस्ट पास में ही पड़ता है, आप मैप को भी फॉलो कर सकते हो आराम से। और ये यहाँ का रोड है 90 फीट रोड, सो अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है भाई, क्योंकि काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है भाई इस जगह को देखने के लिए। कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई अंदर? धारावी, धारावी में जाना है। धारावी जाना है, ऐसे जाके सीधा टर्न मार देना इस साइड, इस साइड के, इस साइड धारावी जाने का, तो इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। आगे कामरा स्कूल आएगा, वो गली पकड़ना, सीधा पहुँच जाओगे आप धारावी। कौन सा स्कूल? कामरा स्कूल, यहाँ से 8वां बिल्डिंग कामरा स्कूल है, ठीक है, वही लाइन पकड़ लेना, सीधा वो लेके जाएगा धारावी में आपको पहुंचा देगा। अच्छा ये पूरा धारावी है क्या? ये सब पूरा धारावी का एरिया। अच्छा ये 90 फीट रोड है ना? ये 90 फीट रोड है, बड़ी धारावी वही। अच्छा अंदर जाना पड़ेगा, जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भाई, मैं आ गया हूँ अभी कामराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, और अब यहाँ से अंदर जा रहा हूँ धारावी के, ये रास्ता जा रहा है। तो ये तो धारावी का मार्केट है, यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह जो भी डेली नीड्स का सामान होता है ना, वो सभी कुछ यहाँ पे बिक रहा है। लोग जो जीते एक्चुअली में, हाँ हाँ हाँ, मेरा रूम बिल्डिंग है, बट कभी आप यहीं से हो लोकल क्या? हाँ हाँ हाँ। ये कौन सी गली है? इसको अपना नगर साइड बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोग BMC वाले, BMC बारिश में तो यहाँ काफी ज्यादा पानी आ जाता होगा, आता है, बट इतना कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है? कॉमन प्रॉब्लम जो होते हैं ना एक्चुअली में, मतलब तो कोई फंक्शन होता है या कोई, बेसिकली वो जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते हम। अच्छा ठीक है, तो ना ऐसा कोई रियलिटी आप बोल सकते हैं ना, जैसे कि अभी मान लो ये 4 शॉप है, अभी इधर गलती हो जाएगी, 5 जन निकलने को भी नहीं होते, बट किसी को ये पड़ी नहीं है ना, सरकार को नहीं कि यहाँ से कुछ खाने के लोग वो भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आदत डाल दी है लोगों को, जैसे चल रहा है चलने को। और आज की जो सरकार है आप खुला बोलने का, प्रोजेक्ट टेबल की तरह दिखाते हैं, प्रोजेक्ट की तरह म्यूजियम में जाते हैं, मोम का पुतला देख, मोम का पुतला दिखाते, जो पैसे देखने होते हैं ना, वो धारा को देख के दूसरे लोगों से
काफी फॉरेनर इधर ही आते हैं। ये लोगों की है अवस्था, यहाँ जा सकते हैं अंदर वहाँ से भी आप जा तो हाईवे निकल जाओ एवरेज बार के वहाँ से सीधा कुंभारवाड़ा है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है ना मटके वटके सब। अच्छा, वो मटके वटके वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। जाओगे सामने ही है पूरा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो। हाँ, यहाँ पे स्कूल वगैरह है ना, कितना स्कूल होगा है? एक्चुअली में स्कूल देखने जाओगे तो इतने में एक आम्बेडकर स्कूल हो गया, कामरा स्कूल हो गया, फिर संत कक्कया मार्ग बीएमसी वाला हो गया, फिर पीछे जाओगे तो गणेश विद्या मंदिर। स्कूल है, फैसिलिटीज है, ऐसा फैसिलिटी नहीं है, पढ़ते भी है बच्चे, नहीं पढ़ने का एजुकेशन भी अच्छा है यहाँ पे लोग। हाँ, शिक्षित ज़्यादा, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान से भी बात करोगे तो वेरी स्पीकिंग इन इंग्लिश दैट, सबको सब क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है। बट क्या है ना, जो लोगों को बेसिकली जो चीज़ें है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हाँ, बेसिक लाइक पानी वगैरह, पानी भी नहीं, सब हो जाता है, पानी भी हो जाता है, पानी भी हो जाता है। बट यहाँ पे रहना, पर रहना संघर्ष की तरह है। आज त्यौहार है और यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, वो बात एक कहीं पर भी जाओगे सीरिया एरिया ना मुस्लिम का, कौन सा भी हिंदू संगठन आएगा ना, ये लोग कभी तंग किए हैं ना हिंदू वालों ने इनको तंग किया है, सब मिलके रहते हैं। सब धारावी की सबसे बड़ी खूबसूरती रहेगी तो यही है, जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्या वर्ल्ड में नहीं दिखती है, जितनी जाति रहती है क्या महाराष्ट्र गुजराती लोग यूपी बिहार वाले तमिल कन्नड़ मुस्लिम मुस्लिम भी है, बट कभी भी ना आप आओगे ना किसी के घर पे चले जाओ खाना आपको ऐसे देंगे, है घर छोटे हैं दिल बहुत बड़ा रहा है। तो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह भी काफ़ी कितने हैं, काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से जितने मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना कपड़े ज़्यादातर होते हैं, ये अपना जो ग्रोसरीज का काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोसरीज का काम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होते हैं, कब पापड़ उद्योग आप जाओगे पिछली गली में सुभाष नगर में सभी की सभी महिला पापड़ उद्योग में, ये पूरा फिश मार्केट यहाँ की तरफ बैठता है। अच्छा अच्छा, तो अभी बंद है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, वरना आप आओगे, आप एक मुझे सामान्य तरह बात बताओ, आप चिकन मसाला लेने जाओगे इधर तो आज की डेट में कितना पड़ेगा चिकन मसाला एक प्लेट? अच्छा, चिकन मसाला। हाँ, चिकन मसाला रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में आज भी इधर भी जाओ यहाँ पर होटल है, आप फुल पेट 40-50 रुपए में खाना खा सकते हो विद चिकन मसाला। चीज़ों को प्राइस वगैरह सब कुछ मैनेज करके? हाँ, मैनेज नहीं, खाना ऐसा नहीं कि लो बजट बोल रहा तो क्वालिटी नहीं है, लोगों को एक यहाँ ना यहाँ पर पैसे नहीं देखे लोगों ने, जिस दिन धारावी के लोगों ने पैसे देख लिए ना, और पैसे है भी इसमें धारावी में सब कुछ है, पर वो जो बेसिकली जो मिलना चाहिए ना वो मिलता नहीं है। यहाँ से आप सीधा जाओगे यहाँ से लेबर यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सी नगर है? एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे बात की आपने एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कि इसको पूरा कॉलोनी बनाना चाहते हैं मल्टीपल बिल्डिंग्स में, तो वो यहाँ पे कुछ ग्राउंड लेवल पे हो भी रहा है उसमें काम, तो ऐसे ही हवा में बात हुई है अभी तक तो जो मतलब है वो एक ही हवा में बात हुई है अभी ग्राउंड मतलब यहाँ जमीन पे कुछ भी अभी ऐसा नहीं कुछ ऐसा काम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो धारावी कर है उनकी एक ही मांग है, अभी मान लो ये जो भी है मुझे मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई सरकार से प्रॉब्लम है, मतलब एक्चुअल में क्या है ना सर, अभी आप मीडिया के थ्रू पावर है आपके पास, जो बेसिकली सुविधा आप बोल रहे हो, धारावी की पॉपुलेशन कितने किसी को पता है, धारावी के लोग क्या झेलते हैं, पर वॉशरूम होता है ना बाथरूम टॉयलेट 1400 लोग एक बाथरूम में जाते हैं, 1400 लोग, हाँ गिनती कर लो, जाना है किसी वॉशरूम के बाहर, अभी आप चले जाओ लेडीज बच्चे ये सब फेस करते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर धारावी मेरी है वो बोल के मतलब नहीं है। पॉपुलेशन कितनी होगी वो ऑफिशियल डेटा तो अलग है, उसमें तो 1,000,000 लोग समथिंग दिखा देते हैं। 1,000,000 लोग कभी गणपति में आए हो? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम है वही बोल रहा हूँ लोगों के, कभी पोंगल में आए कोई? 1,000,000 लोग कुछ नहीं है, आपको देखा ना 6 बजे के बाद अभी देखो रोजा बोलेगा ना, तब आप आओगे आपको पता चलेगा क्राउड क्या है धारावी का और लोग कैसे जीते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी ने बोला धारावी में मतलब झगड़ा है ये बोलो ये कुछ नहीं है, सिर्फ बदनाम करके रखा है धारावी को, धारावी के लोग 70 से भी मीठे है,
धारावी कर ऐसे है, आप बोलो ना धारावी का हर दुकान पे जाओ किसी को नहीं, धारावी का बच्चा बच्चा स्मार्ट है। यहाँ पर अनपन गवार या जाए लोग नहीं रहते, हर झोपड़ी में आपको वेल एजुकेटेड लड़का मिलेगा। मतलब क्या है, धारावी के नाम पर पर्सनल लोन भी नहीं मिलता है, क्या है क्योंकि क्रिमिनल एरिया है। मैंने खुद अप्लाई की थी, मेरी लोन अप्रूवल हो गई थी, जब मेरा डेट ऑफ बर्थ खुला तो क्या धारावी में रहते हो, ये आपका रिजेक्टेड हो गया, क्यों क्रिमिनल एरिया है, यहाँ पर हर रोज मर्डर नहीं होता है। मतलब केवल यहाँ पर रहना बस प्रॉब्लम नहीं है। अभी 22 जनवरी को श्री राम उद्घाटन हुआ ना मंदिर का, सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने भी इतना किया था। और वही मीरा रोड साइड देखो, वहाँ पर झगड़े हुए थे, जो पोस्ट एरिया बोलते हैं लोग उनको, ये छोटा है बट पर दिल सबके बड़े और लोग सब समझदार हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रॉब्लम अकेला यहाँ पर रहना नहीं है, फाइनेंशियली भी मतलब कोई सपोर्ट नहीं है ना बैंकों से ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई है काफ़ी ज़्यादा है, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक हो गए ये सपोर्ट नहीं करते क्या? पतपीढ़ी वाले देते हैं ना, पतपीढ़ी वाले देते हैं, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा हो आपकी कोई बैंक या पर्सनल, आप उसमें अपना ब्याज काट के लोग देते हैं, वो लोग भरते भी है भाई, वो तो ब्याज ज्यादा होता होगा, काफी ज्यादा है। रियलिटी बताऊं ना लोगों की, जो ऐसे लोग है, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी लोग है जो इस पे ही चलाते है अपना पूरा इंस्टीट्यूट चलाते, और सरकार को कानों कान खबर नहीं रहती। मैंने क्या आपको बोला पहली बार, जैसे मोम का पुतला दिखा के लोगों को गुमराह करते हैं, म्यूजियम में जाओ महाराणा प्रताप की ये तलवार थी, शिवाजी महाराज लाइक म्यूजियम बना दिया है, इसको म्यूजियम बना दिया है। धारावी के नाम पे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट भी आएगा ना वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ 70 से 80 बिल्डिंग बनेगा ना पूरा धारावी को डाल देगा, बाकी सब बिजनेस करेंगे लोग, लोगों को यहाँ के जो लोकल है उनको नहीं मिलेगा। मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, जितना है ना, एक पता है ना अपने सोसाइटी होती है चोल बेसिक पर वीरार वसी, समझ गया, उसको साइड में डाल दिया, साइड में ऐसे ही लोगों को डालेंगे कचरे की तरह एक फ्लैट में, और बाकी का सब रहेगा ना वो मल्टीप्लेक्स की तरह डाल के ना बेचे जाएंगे लोगों को। अभी यहाँ पर हमारे लेबर कैंप पे ये देखो SBI के बाजू में ये बड़ा बिल्डिंग बना, प्राइस कितना है 1 BHK का? कितना 1 BHK का? 57 से ऊपर है, क्योंकि अभी धारावी पूरा नेशनल हो गया है, कितने साइंस स्टेशन, बैंडर स्टेशन, माहिम स्टेशन, धारावी सिटी का कॉर्नर बन गया है, इसके लिए लोगों की आंखों में झुकता है। धारावी के लोगों के लिए सोचना ही है, एक्चुअली आपके माध्यम से बताना, सोचना ही है, एजुकेशन भी है सब है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर आके एक गली गुच्छा जाके देख ले। अभी आपने देखा, मैं आपको हजारों एरिया दिखा था, वहाँ कचरा भी अभी तक भरा नहीं गया, अभी से कोई एक नेता या कोई मंत्री आएगा धारावी को पूरी तरह से क्लीन करेगा, धारावी को रोड क्लीन करेंगे, क्या उनको दिखाने के लिए? केवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए। यहाँ पर गटर जाती है, वो दिखा ना आपने गटर, उससे तो कई बेहतर हालत है, अभी आप गली गुच्छे में जाऊँगा आपको खुद 2 मिनट सांस नहीं रोक पाओगे, जो बाथरूम है ना यहाँ के शौचालय सुलभ शौचालय, वहाँ पर 2 मिनट सांस लिया कोई बाहर का बंदा हो वहीं पर उसको हारे लगा जाए, क्योंकि वो स्थिति में लोग ने जीना चालू कर दिया है। अप्रोक्स पॉपुलेशन कितनी होगी यहाँ पे? अप्रोक्स समथिंग, कोई बोलता है भाई 15 लाख, कोई 20 लाख भी बोलते हैं, करीबन 30 लाख के ऊपर ही रहेगा, 30 लाख के ऊपर ही रहेगा। धारावी में क्लिनिक्स कितनी पता है? कम से कम 90 क्लिनिक होगी धारावी में, 90 क्लिनिक होगी, दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ, और 90 क्लिनिक ना भीड़ बकरी की तरह भरती है रोज, इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे मतलब हेल्थ का। बट क्या है ना, मेरे एरिया के हिसाब से मैं खाऊंगा, समझ रहे हो ना, तो मुझे बिस्किट मिल रहे हैं तो मुझे ही मिलने चाहिए, किसी और को नहीं मिलने चाहिए, मेरे घर में 10 जना के मैं 10 का अकेले बिस्किट खाऊंगा, तो धारावी में लोग भूखे भी नहीं मरते, ये वड़ा पाव वालों की पूछो इसकी सेल कितनी रहेगी, लोग कमाते खाते जीते हैं, जो सरकार जो दावा ठोकती है ना वो नहीं है किसी के, वो नहीं है यहाँ पे। और मैं आपको वो भी बताता हूँ, धारावी के माध्यम से ना लोग ऐसे क्रिमिनल की साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसके पास आधे लोगों को खुद को ऐसा ना कि खुद की आइडेंटिटी क्या रहेगी, जो बाहर से लोग आए हैं वो यहीं पे बसते हैं। मैं आपको बोलूँ ना, अभी ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप पूरा इलेक्शन कमीशन को ऐसा बोलो सर्वे करो, सर्वे करो कितने वोटर यहाँ से इलीगल होते हैं, तो सरकार बनेगी ना, तो पैसे वाले लोग
एक प्रकार से अभी कोई एक बच्चा आएगा उसको इंग्लिश में बात कर लो, जो ना बोला ना उसको बता दो, उसके पास है एजुकेशन। तो जॉब पर भी जाता है ना बंदा, तो उसका जो मिलना चाहिए बेनिफिट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना बेसिक बेनिफिट। हाँ क्या? क्रिमिनल एरिया है। अभी मान लो मुझे ज़रूरत है, मैं अच्छी कंपनी का हूँ, मैं हूँ, तो मैं मेरे घर वालों को फैमिली को लेकर बाहर जाऊँगा, पर जो मेरा जो ओरिजिनल रेसिडेंट रहेगा वो कभी मांगते हैं तो लोन के लिए, कुछ होम लोन के लिए, तो क्या बोल के नकार दिया जाता है दादा के ये क्रिमिनल एरिया है, मतलब वो एक डार्क टाइप का लगा है। हाँ है भाई, वो ये रियलिटी है। वो लोग हम लोग जो है एक्चुअली में जो पढ़े लिखे हम लोग बाहर जाते हैं तो हम फेस करते हैं वो चीज़ों को लेके, लोगों को वो पता नहीं है। लोग को सिर्फ झगड़ा नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ हर हिंदू मुस्लिम होता भी नहीं, सिख ईसाई होता भी नहीं, सब मिलके रहते हैं, बट जो बेसिक नीड्स हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान देना देते नहीं है, देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को पता चल गया है। अभी आप आए हो, आपको 2500 टूरिज्म मिल जाएगा, घर ही में क्यों लाते हैं? उसे बता दिया गया कि ये स्लम एरिया, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, यहाँ पर जाहिर गवार लोग रहते हैं, जाहिर गवार लोग नहीं रहते साहब, हाथ जोड़ के बोलते हैं कभी आओ घर पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपको मेरा हाँ। बच्चा, मेरा जो बच्चा है ना, आपको पूरी तरह से इंग्लिश समझाएगा, ग्रामर हिस्ट्री सब बताएगा, और लोग के बच्चे को यहाँ पर वो नॉलेज है। आप लोग कर रहे हैं स्मार्ट सिटी करो ना, तो जो हमारी जगह है वो भी तो हमें दो, लोग के पास पावर है सत्ता है, इस्तेमाल करो ना। लोगों के हेल्थ इशू है कितने है, क्या यहाँ चेक कब करा देते हैं, यहाँ पर रख देंगे। शिवसेना की तरफ से ब्लड का ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आयुष्मान कार्ड के कितने लाभार्थी है उसके अभी तक हुए? एक आयुष्मान कार्ड से धारा की तलक वाले को किसी को 5 लाख रुपए का मिला रहेगा, वो मुझे कितना है बता देंगे? मैं आपको बता सकता हूँ, अच्छा लाइट वगैरह शाम को ये सब चीज का कोई इशू नहीं, ये कोई इशू नहीं, ये मैं वहाँ लोगों को गमुरा किया गया। सरकार ने जो दिया है वो है, पानी का कभी इशू नहीं हुआ। हाँ। पानी का सुख सबसे ज्यादा धारा ही में। हाँ। मेरे घर पे आता मैं क्यों झूठ बोलूँ? हाँ। पानी लाइट वो सब बिजली का कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है ना, जो मेरा बोलने का मतलब है ना, तो साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई को लेकर वो मैन है, वही सारा जो आपका हेल्थ, आपके जीने की लाइफ स्टाइल हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, हम साउथ अफ्रीका में जाए तो काफ़ी लोग भूखमरी से मर रहे हैं वहाँ, बट यहाँ नहीं मर रहे ना, और अदर जगह यहीं क्यों? वहाँ पर भूखमरी पे, यहाँ के लोगों में हेल्थ रेवर, यहाँ पर कोई भी बच्चा ना अभी वड़ा पाव बेच के भी अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल सके, पर क्या है ना जो बेसिक चीज़ अब साफ सफाई का ख्याल रखो। कभी भाई अब सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं आओ ना, यहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करो। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, सब बोलने से नहीं होता है। हाँ स्मार्ट इंडिया, चर्च गेट दिखा दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा दिया, थाना साइड पूरा व्यूज दिखा दिया, मुंबई ऐसे स्मार्ट नहीं है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपको पूरा दिखाता था, RIV की जो रियलिटी है ना वो दिखाता था, तो लोग को सच्ची में क्या प्रॉब्लम होती है। आज हर गली में चलिए पानी के लिए भी झगड़ा होगा, मेरे पास ना ले तो मैं उसमें कनेक्शन दूंगा तो 1000 रुपये तुझसे लूँगा, ये भी सिस्टम है। अच्छा यहाँ पर रेंट पे भी रहते हैं क्या? हाँ रेंट पे रहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग रेंट पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, बाहर से आके माइग्रेट होते हैं जो। हाँ, रेंट पे रहते हैं ना, रेंट भी अच्छा खासा है यहाँ पर। क्या होगा अप्रोक्स मिनिमम रेंट? आप कौन सा भी अभी झुपड़े में भी जाओ रहने के लिए 5000 से चालू होता है ये। 5000 संडास बाथरूम वाला खर्च है तो 10000 रुपये रह गया, 2000 रहेगा। आप कितने साल से हो यहाँ पे? तो पता ही नहीं है कितने। नहीं फिर भी फैमिली अप्रोक्स? अभी मेरे दादा के टाइम से सब लोग रह रहे, तो मैं भी यहीं पे रह रहा हूँ। मेरी वाइफ का जो है पूरा हम लोग का यहीं पे रहे, हम लोग पहले मैं जो था बेरहबा पे रहता था, और अभी मैं यहाँ से काफ़ी साल, मैं मेरे बच्चों को लेकर रहूँगा, तो मैं 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, 15 साल से रह रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, अच्छा लगा यार इतनी सारी डिटेल्स शेयर की, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जयेश। जयेश जितेंद्र। ओके थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ओके तो ये थे भाई जयेश भाई, बहुत सारी डिटेल यहाँ के बारे में बताई उन्होंने, और ये यहाँ की एक गली है, यहाँ छोटे छोटे काफ़ी सारे घर हैं, और घरों पे जाने के लिए भाई इस टाइप का कुछ रास्ता है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी, फैक्ट्री भी बहुत सारी मिल जाएंगी,
गलियाँ बहुत हैं, तो अभी चलते हैं किसी गली में। छोटा छोटा रास्ता है यार, मतलब यहाँ पे दो लोग अगर क्रॉस कर रहे हैं ना तो एक को साइड ही होना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता नहीं है? नहीं नहीं रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे घर काफ़ी ज़्यादा ही छोटे छोटे, यहाँ से देखते हैं कोई रास्ता है। यहाँ से जाने का रास्ता है? यहाँ से नहीं, अंदर ही जाना है। पानी हर टाइम आता है क्या? हाँ, 11 बजे तक लगा है। 11 बजे? 11 के बाद बंद। अच्छा, 11 के बाद बंद। बर्तन आपका अच्छा है। तांबे का है ना? तांबे का है, इतना क्लीन कैसे हो जाता है तांबा? वो घिसता है ना, घिसने से? घिसने के बाद क्लीन हो गया। ये आपका घर है? हाँ मेरा घर। अच्छा, मैं देख सकता क्या? हाँ देख सकता। मैं मेरा बाप गया, मेरा बाप का बाप गया तब से इधर। फिर भी अप्रोक्स कितने साल हो गए होंगे? 70-80 साल से हम लोग इधर। 80 साल से? तो आपका टॉयलेट वगैरह सब कुछ है? हाँ, बाथरूम है। ऊपर भी जाने का रास्ता है तो ऊपर किसका? आपका ही घर है? मेरा ही है, मेरा। अच्छा अच्छा, मेरा ही कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? मैं बीएमसी का झाड़ू मारता हूँ। अच्छा, बीएमसी में झाड़ू मारता हूँ। पानी सुबह शाम आता है ना? नहीं, शाम को या सुबह ही आते हैं। सुबह ही आता है 11 बजे? और शाम को पानी नहीं आता? सुबह का ही लेने। हाँ हाँ, अंदर जाओ। हाँ जाता हूँ। अच्छा, बरसात के टाइम पे कैसा क्या सीन रहता है? बरसात के टाइम में पानी पूरा नीचे जाता, भर जाता है। घर में भी भर जाता है क्या? घर में नहीं आता है। घर में नहीं आता, पूरा निकल जाता है। निकल जाता है, निकल जाता है, पूरा गड्ढा जाता है। हाँ हाँ, निकल जाता है। कितने लोग रहते होंगे अप्रोक्स यहाँ पे? हम लोग 3 जने ही इधर। आप 3 लोग रहते हैं? हाँ, बाकी का फैमिली मेरा गांव में। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से। बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है। मच्छर के लिए क्या करते हैं? बीएमसी वगैरह वाले नहीं आते क्या? आते बीएमसी, पूरा कचरा नहीं आता, बाहर जाता है, पूरा पानी भरता है गली में। मच्छर का, मच्छर होता है, मच्छर मच्छर बहुत है, बहुत है। तो मच्छर से तो बीमारी भी बहुत होती होगी। तुम जाके शिकायत करो यार, आप बोलो ना वो शिकायत करने के। मच्छर बहुत है इधर, मच्छर बहुत है। सोते टाइम काटे यहाँ वहाँ, यहाँ किसको डेंगू हो जाता है, किसको मलेरिया हो जाता है, किसको कहतो कहा कहता है। तो बच्चे लोग गिर जाते हैं बीमार से गिर जाते हैं। छोटा साइन में जाते हैं हम लोग, कई इलाज करके आते हैं इधर। ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक वगैरह यहाँ पे? क्लिनिक बोला तो रोड के पीछे। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं? मेरा लड़का कॉलेज पर है। कॉलेज नहीं, यहाँ पे स्कूल वगैरह है? है ना, इधर अंदर है, आगे आगे। कितना स्कूल होगा इसमें? एक ही स्कूल है, बड़ा वाला एक ही स्कूल है। 7 माले का एक ही है। हाँ, एक ही स्कूल है। अच्छा, बहुत तकलीफ होता है, बच्चे लोग बीमार गिरता है, बहुत तकलीफ होता है। थोड़ा बड़ा काम करता है, भाग जाता है, पूरा निकल जाता है पूरा घर। बीएमसी वाला काम भी नहीं, गटर भी बरोबर नहीं निकलते, बरोबर नहीं निकलते, खाली ऊपर ऊपर का निकल के भाग जाते हैं। और उन लोगों को बोलने जाएगा तो क्या बोलता है? तुम लोग जाके कंप्लेंट करो, ऐसा बोलते हैं। हम लोग भी उल्टा बोलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मच्छर की है, मच्छर की पूरे 12 महीने प्रॉब्लम है। 12 महीने? हाँ सर, तो डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये बीमारी हो जाता है बच्चे लोग को, लेके जाता हम लोग छोटा साइन में, इलाज करके लेके आते हैं। क्या बोलना है सर? और कोई प्रॉब्लम ऐसी? कुछ दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ा मच्छर का है। मच्छर का ही है, दूसरा कुछ नहीं। और कंप्लेन कोई सुनता नहीं है आपको? इधर कोई मलेरिया खाता वाला आता है, हफ्ते में एक बार आता है, कभी कभी आता है, एक बार आता है निकल जाता है। दुबई वाला आता है, कभी महीने में एक बार आता है वो मच्छर मारने का, महीने में धुआं मार के निकल जाता है। ऐसा सर, ऐसा। तो पानी का ये पेमेंट वगैरह के फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं नहीं, पेमेंट भरना पड़ता। कितना भरना पड़ता है मंथली? बिल के ऊपर है। फिर भी क्या अप्रोक्स बिल आ जाता है? 900-1000 रुपये। 900-1000 रुपये पानी का? 6 महीने का। 6 महीने का? अच्छा, 6 महीने। हाँ, 6 महीने का एक ही बार आता बिल के ऊपर है। पानी अच्छा आता है? हाँ, पानी अच्छा आता है, देखो ना क्लिंग पूरा। अच्छा अच्छा, पानी पूरा क्लिंग, पानी तो क्लीन है भाई, एकदम पानी है। फिर आपका घर है?
हाँ ये भी मेरा था, मैं बेच दिया। अच्छा बेच दिया आपने? बेच दिया। हाँ 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 चलिए ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके सर, थैंक यू सर। अंदर जाओ, मतलब अंदर भाई वो गली में कौन सा इस गली? आप रहते क्या इस गली में? हाँ रहते ना। घर दिखा सकते क्या आप अपना? इधर से कचरा आता है, बहुत कचरा आता है। हाँ। बरसात में पानी घर में चला जाता है, क्या करते हो? हाँ, पानी आता है कभी कभी अंदर, बहुत बारिश गिरेगा। बारिश आती। आप कितने साल से यहाँ पे हो? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ये आपका बच्चा है? हाँ। क्या हुआ इसे, सो रहा है? सो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देख सकता हूँ घर? थैंक यू। देख काढ़ा ला लेती हूँ ना। आप क्या करते हो? घर में रहते हैं। नहीं नहीं, काम क्या करते हो? नहीं घर में। अच्छा हस्बैंड आपके? हाँ। काम करते हैं। अच्छा है सर। हेलो सर, क्या नाम? विशु। विशु विशु। तमिलनाडु कर्नाटक? कर्नाटक। जितेंद्र गुलबर्गा? गुलबर्गा की एक फैमिली और मुझे मिली अभी। गुलबर्गा सब गुलबर्गा वाले हैं सभी? अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे हो? 15 साल हो गए। तो पर्सनल आपका है कि रेंट पे? नहीं, रेंट पे। रेंट पे, देख सकता हूँ क्या? कितना रेंट देते हैं आप इसका? हेलो, 5,000। इतना छोटी जगह का? तो ये ऊपर भी है क्या? ऊपर भी है। देख लूँ क्या मैं? हाँ देखो, लाइट नहीं है। गाड़ी तो तेरा पहले लाओ तो मैं भाई। भाई ऊपर जा रहा हूँ। ये देखो यार, नीचे से क्या है, कुछ एक पार्टीशन बना रखा है, ऊपर एक चोल टाइप की है छोटी सी। तो आप यहीं पे नहाते हो, यहीं पे कपड़े वगैरह साफ करते हो, खाना वगैरह यहाँ पे? कितने लोग रहते हो आप? 4 जने। 4 जने यहाँ पे? फिर कहाँ पे सोते आप? 2 जन ऊपर, 2 जन नीचे। अच्छा अच्छा, आप भी गुलबर्गा से हो? लड़का है। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं? लड़का काम पे जाता है, हम लोग भांडे बेचते। भांडे? अच्छा अच्छा, भांडे वही पानी वाला बर्तन ना? हाँ पानी वाला बर्तन। हाँ, मिट्टी का है ना? नहीं नहीं, प्लास्टिक का। अच्छा प्लास्टिक का बर्तन। पानी वगैरह तो टाइम से आता है ना सर? पानी आता है, जो शुलो आता है टाइम पे, सुबह का है, दोपहर 12 बजे 6 बजे का है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आप फेस करते हैं? इधर गटर का ही बहुत तकलीफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गटर का है। गटर का रेंट 5,000 आप इसका भरते हो। क्विक एक्सप्रेस कन्नडा सुल्पा सुल्पा इतना नहीं आता, ओनली नमस्कार एंड समाचार आना इतना आता है। यार ये जगह है तो ये अप्रोक्स मुझे लगता है ज़्यादा 5x7 या 8 का चोल है, जिसका रेंट 5,000 है। तो 15 साल से ये फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। प्रॉब्लम सबकी कॉमन एक ही है, गटर का प्रॉब्लम, मच्छर ज़्यादा है ना, मच्छर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अभी जो आपने पहले देखा वो मैं था 90 फीट रोड के अपोजिट साइड, जहाँ पे कि आपने फैमिली वगैरह देखी। अभी मैं आया हूँ कुमारवाड़ा में, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। यही है भैया कुमारवाड़ा ना? यहाँ से जा सकते हैं अंदर? रास्ता बंद है। अच्छा, तो मैं बर्तन बनते देख सकता क्या? आगे आगे इस साइड। अभी मैं आया हूँ एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं डाई के थ्रू। डाई के थ्रू मैं पहली बार देख रहा। अच्छा, यहाँ पे टूल वगैरह लगा के करते हैं आप? टूल तो हाथ ही है। कौन सा मिट्टी यूज करते सर? गुजरात का है। अच्छा गुजरात का। तो यहीं पे बिकते कि बाहर भी आप लोग सप्लाई करते हो? ये अपना तो मुंबई में जाता है। मुंबई में जाता है, जहाँ आप दे देते हो वो लोग बेचते रहते हैं। होलसेल का है आप?
ये तो पानी वाला मटका बन रहा है ना। हाँ ये डाई काई की, ये थर्माकोल की पत्थर की? प्लास्टर। प्लास्टर क्या प्राइस में वैसे बिक जाता है एक बड़ा वाला मटका? सब साइज के ऊपर प्राइस है। साइज के ऊपर अप्रोक्स अगर मुझे ये लेना हो तो कितना पड़ेगा? वो 200 रुपये। 200 रुपये यहाँ का रेट है कि मार्केट? यहाँ का। अच्छा, मार्केट में तो अलग ही चलेगा ना। तो ये आपने देखा बर्तन कैसे बनते हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बना बना के यहाँ पर रखे जाते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद फिर ये भट्टी है, भट्टी में डाल के भाई पकाया जाता है। वहाँ पे एक भट्टी लगी हुई है, इसमें मैंने ये देखा है कि जो कॉटन है उसका यूज किया है। कॉटन क्या है ना, काफ़ी देर तक चलता है। मेरा नाम लेके बुला रहा है, आप कौन है? जीतू भाई। सो ये है कुमारवाड़ा, ज़्यादातर यहाँ पे जो फैक्ट्री है मिट्टी के बर्तन बनते हैं और यहीं पे पकाए जाते हैं। जो मार्केट में हम तुम लोग खरीदते हैं ना, वो बर्तन यहाँ पे काफ़ी बड़ी लेवल पे बनते हैं। सो मीन्स धारावी में नॉट ओनली स्लम पीपल रहते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बहुत सारी हैं। यहाँ की जो इकोनॉमी है ना वो अप्रोक्स $1 बिलियन है। $1 बिलियन आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया इंडियन INA। सो ये रास्ता भाई, यहाँ पे ज़्यादातर बर्तन ही बन रहे हैं। सो यहाँ पे लोग तो रहते ही हैं, बहुत सारा रिसाइकल प्लास्टिक भी यहाँ पे होता है और ये बर्तन का काम आपने देख लिया। काफ़ी सारी फैक्ट्री हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं वो घरों के अंदर हैं, लोग घरों में काम करते हैं। वो यहाँ पे हजारों फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे नंबर्स में नहीं कि 100-200, हजारों फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये था कुमारवाड़ा का एरिया। अभी एक और एरिया है जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी हैं, अभी वहाँ पे अपन चलते हैं भाई। एक और अंधेरी गली में चलते हैं, फुल अंधेरा है यहाँ पे। तो भाई जब आप धारावी में आओगे ना, तो मेरे एक दोस्त ने बोला था बी सेफ, बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लगा। बल्कि लोग यहाँ पे, यार तुम किसी भी कहीं भी किसी भी लोगों से बात करो ना, सब अच्छे से बड़े प्यार से बात करते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है ना तो उसका फुल वेलकम करते हैं, सही से बात करते हैं सब चीज़ें। हेलो आंटी। सो ये देखो गली एक यहाँ की है, तो मैंने बोला सभी यहाँ पे बात करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो उनके मतलब चेहरे पे मैंने एक आस देखी, इस आशा से वो देखते हैं कि शायद आपके थ्रू जो हमारी बात है वो गवर्नमेंट तक पहुँच सके, जिससे कि चीज़ें डेवलप हो सके। आप यहाँ का एक रास्ता देखो, काम चल रहा है, बनने वाला है। हेलो भैया, बड़ा डिफिकल्ट है मतलब निकलने में, इतना हुआ तो कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। चालू है, मैं तो आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। रास्ता कहाँ से है बेटा? इस साइड, इस साइड जा सकते। ये शॉप है यहाँ पे किराने की। ये
यहाँ से चले नहीं, एक बार वहीं से चलते हैं, वो देख लेता हूँ। फुल अंधेरा भाई, फुल अंधेरा। मैं बता रहा था यहाँ पे लोग इस तरीके से बात करते हैं, मतलब आपको देख के लाइक एक उम्मीद की उनके पास एक किरण होती है कि शायद आपके थ्रू हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँची और हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है उनका कोई सॉल्यूशन मिल सके। तो मुझे तो अच्छा लगा यार बात करके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया। अगर आप यहाँ पे बॉम्बे आ रहे हो तो एक बार ज़रूर घूमने आओ भाई। मैं यहाँ पे कितना दिखाऊंगा, इतना है दिखाने के लिए कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और पूरे दिन घूमता रहूँगा इन गलियों में तब भी मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा। रास्ता कहाँ से जा रहा है पता नहीं, इस साइड रास्ता जाता है क्या ये यहाँ से? हाँ तो कई सारे रास्ते हैं भाई, पूछ पूछ के जाना पड़ता है क्योंकि भटक सकते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। यहाँ से चलते हैं, मैं तो गलियों गलियों में घूम रहा हूँ। वायर देखो आप, वायर कितने सारे वायर, करंट न लग जाए। ये देखो सीढ़ियां रहती हैं ऐसा, एक ऊपर सा पट्टा सा लगा रहता है गेट का, तो एक गेट हो गया, नीचे भी रहते हैं ऊपर भी रहते हैं कोई। आगे मैं रास्ते यहाँ से, अब रास्ता यहाँ से कहीं से जाता है। यहाँ पे भाई इस गली में देखो आप, शॉप मार्केट है, मार्केट शॉप। ये फैक्ट्री है क्या, कपड़े की फैक्ट्री है क्या ये वाला? सेकंड हैंड कपड़े का है। सेकंड हैंड कपड़े क्या उस सही करके देते हो क्या? मांडी वाले जो बेचते ना, हाँ मांडी वाले जो बेचते हुए हम लोग खरीदी करते। अच्छा फिर आप खरीद के आगे बेच देते हो बना के? अच्छा अच्छा। सुबह टाइम हो गया है 11:40 और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि पूरा टाइम हो गया। भाई मैं फैक्ट्री देखने आया था यार, कोई फैक्ट्री नहीं मिला देखने की। किस चीज़ का फैक्ट्री है? ये देखो ना। अच्छा आपका तो स्टोर है। कपड़े कहाँ पे बनते हैं? कपड़े तो हम लोग ऊपर बनते हैं। ऊपर बनाते हो, यहीं पे बिकते हैं कि कहीं आगे भी सप्लाई करते हो? प्रेस होता है, प्रेस वगैरह वहाँ पैकिंग हो रही है। हाँ बनाते भी यहीं पे, वो पैकिंग पूरा फैक्ट्री का काम है जो होता है ना। अच्छा तो होलसेल में भी बेचते हो क्या? बाहर बिकता है, बाहर बाहर सब जगह बाहर बेचते हो। कितना ऐसा फैक्ट्री होगा यहाँ पे अप्रोक्स? ऐसा तो बता नहीं सकते भाई, लेकिन अपना जो है यहाँ पर बता सकते हो, वैसा हर जगह कारखाना तो बहुत ज्यादा, बहुत सारा कारखाना है। मैं फैक्ट्री देख सकता क्या? चाय कॉफी कुछ? अरे सर अभी चाय तो मत पिलाइए, गर्मी इतना है। जाओ ना उसके साथ चले जाओ। ठीक है ठीक, मैं आता हूँ। यहीं पे है क्या सब? ऊपर यहाँ से पूरा। अच्छा ये कितने मंजिल है भाई? 4 मंजिल है भाई, यहाँ पे तो चढ़ना। ये देखो ये कपड़े यहाँ से कट
यहाँ पे कटिंग होती है, ऊपर भी कटिंग होती ये है। कहाँ से मंगवाते हो? ये सीधा बाहर बाहर से। अच्छा अच्छा, यहाँ कटिंग वगैरह होती है, पूरी कटिंग का काम है ना? ऊपर भी कटिंग, फिर उसके ऊपर जब बनता है। अच्छा ये लगा हुआ है भाई, इसे पकड़ना है, ये थोड़ा पकड़ा दो नहीं तो मैं नीचे चला जा। यहाँ पे क्या काम होता? ये भी वही पर है, कटिंग वाला। हाँ हाँ, जब माल लगा हुआ है। अच्छा ये पूरा माल लगा है ना? हाँ। तो एक एक साथ ही काट देते हो क्या? नहीं ये बस, हाँ ऐसा माल लगा है। हाँ हाँ, फर्मा बिठाएंगे। हाँ हाँ, नहीं तो ये बिठाए, नहीं तो ये बिठाए। हाँ हाँ, उसके हिसाब से काटते हैं, तो ये पूरी एक साथ पीस हो जाती है, एक साथ पीस कट जाते हैं। यहाँ से भी ये व्यू देख सकता हूँ? हाँ पूरा व्यू अपने में देखना यार। और भी ऊपर चलेंगे ना अभी तो? हाँ, ऊपर से एक बार देख लेते हैं। हैं, क्या नाम बताया आपने अपना? सफ़ी। सफ़ी, हाँ। प्रिंस होजरी अपना ब्रांड है। क्या नाम? प्रिंस होजरी। प्रिंस होजरी, हाँ। अच्छा हेलो, यहाँ पे क्या बनता है? ये जो माल जो कटिंग वटिंग हो रही थी नीचे होकर ये बनता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर लाके बनाते हैं। हाँ। नीचे जाते हैं, होता है। हाँ हाँ, ये सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर है ना? हाँ यहाँ टॉप फ्लोर है। सही है भाई, सही है। यहाँ पे आप हो ये पूरा? हेलो सर, सभी यहीं से? यहीं सब सोते हैं, सब यहीं रहते हैं, गांव के लोग हैं सब। सब खाते पीते, प्लेट वाले फिर रखते हैं। ये किचन है? ये किचन बनाए बता। अभी रमजान है ना, तो इसके हाँ रमजान है तो अभी रोजा वगैरह चल रहा होगा तो पैक कर दिए। ये भी कोई इसके अंदर गेहूँ चावल रखा हुआ है, तो अच्छा तो वो अपार्टमेंट बनाएंगे तो फैक्ट्री हटा देंगे? फैक्ट्री हटा देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनेगी और ये गरीब लोग को रहने के लिए जगह होगा सब नहीं रहेगी, नहीं रहेगी कहाँ सोएंगे फिर इन लोग? कहाँ जाएंगे अब इन लोग के? अपने भी बांधे हैं ना बेबाक, अपने भी लोग कहाँ जाएंगे? हमारे तो कारोबार ख़त्म हो जाएंगे पूरे, घर लेके क्या करेंगे? घर लेके क्या करेंगे जब कमी नहीं आएगी? कोई कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है हमारे पास, जो है हमारे यही रोजी रोटी यही करते हैं काम आता है। ये वो है, वो पागल है, ये पागल है, ये लोग कब चल जा रहे हैं ना, पागल है तो भी कमा रहे हैं, 10,000-8,000 मिल रहे हैं लोग को, बैठे बैठे ये सीधा करना उल्टा करना है ये इतना कर लेते हैं। ये पागल है, वो पागल है, देखो जो पागल है, कम से कम इनको खाने का तो बंदोबस्त हो जा रहा है ना। हाँ फिर बाहर इनको कौन पूछ रहा? फिर इनको कहाँ कोई पूछता है? नौकरी थोड़ी ना मिलेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये काम बता दिया हूँ, बैठ के सीधा करो, ये सीधा कर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं करने का, कुछ पढ़ने का नहीं, कुछ लिखने का, सीधा कर रहे हैं ऐसे। कई हजारों लोग होंगे? कई हजारों लोग, पूरी धारावी में लगभग धारावी ऐसी ही है, हर घर के ऊपर आपको फैक्ट्री मिलेगी, नीचे घर तो ऊपर फैक्ट्री, ऊपर नीचे घर तो ऊपर फैक्ट्री। बट अभी कोई काम तो स्टार्ट हुआ नहीं ना उसका? अभी तो होगा, धीरे धीरे चालू करें, लेकिन वो होगा। हाँ, खाली दिया तो मोदी सरकार एंड डेरिंग वाली सरकार करके कुछ भी कर सकती है। काम चालू हो गया है? हो गया है, सर्वे चालू हो, सर्वे हो गया, मतलब पेपरों पे काम होने लगा है, कागज पे काम तो चालू। हाँ, ग्राउंड पे जब आएगा तब तो वो दिखने ही लगेगा। पेपर का काम हो गया तो फिर एक बार में नोटिस भेजेगा, फिर दूसरे दिन तोड़ना स्टार्ट, और टाइम नहीं देते ना भाई, आज दिए कल तोड़ना चालू। सबसे बड़ी तकलीफ यही है, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, हम कमाएंगे कहाँ? अरे अभी मेरे पास 35 आदमी है ऊपर से नीचे तक का पूरा। हाँ, खत्म हो जाएंगे, उनके भरोसे मैं कमा रहा हूँ, ये मेरे भरोसे कमा रहे हैं, दोनों की गाड़ी चल रही है, दोनों का काम खत्म। ये पागल है, इसके दो भाई और पागल है, वो तो मतलब कुछ समझेंगे ही नहीं, उनको कितना भी वो मतलब
इतना खाना दे दोगे तो खा लेंगे, इतना देंगे तो खा लेंगे, उनको कुछ अंदाजा ही नहीं। तो पागल और ये थोड़ा समस्या कर रहे हैं पर। जितना भी देखोगे दूर दूर सब फैक्ट्री है यहाँ पर। हाँ जितना भी देखोगे आप यहाँ से तो ये ना तीन रूम बनाते हैं, उसमें से एक रूम रहता है रहने को, दो रूम रहता है फैक्ट्री, उससे भाड़ा मिलता है, उससे पूरा काम चलता है, उससे ही पूरा घर चलता है। क्योंकि यहाँ पर किसी को नौकरी मिलती नहीं जल्दी, तो यहाँ पर अपना बिजनेस ही करके बाहर माल सप्लाई करते। किस किस टाइप की फैक्ट्री है यहाँ पे? यहाँ जीन्स की है, बच्चों के कपड़ों की है, चमड़े की है, लेदर की है, बेल्ट की है, हर चीज की है, हर चीज की है। हाँ जूता में हजारों फैक्ट्री मिल जाएंगी, हजार से ज्यादा फैक्ट्री मिलेगी। आप हर गली में जाओगे तो दस दस, जहाँ घर है ना वहाँ फैक्ट्री है, जहाँ घर मिलेगा वहाँ का वहाँ फैक्ट्री मिलेगी आपको। हाँ। हर जगह फैक्ट्री है। तो ये कूपर दूर तक देखोगे ना तो फैक्ट्री फैक्ट्री मिलेगी, जितना भी आप जूम करके देखोगे फैक्ट्री मिलेगी आपको, पैंट का, जीन्स का, शर्ट का, हर जगह आपको ये फैक्ट्री है भाई सारी। सो आपने यहाँ की प्रॉब्लम सुनी, क्या प्रॉब्लम है? हम जो टीवी वगैरह में देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, अदानी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उससे लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी, बट इन लोगों का मानना है कि ज़िंदगी तो सुधरेगी बट जो यहाँ पे फैक्ट्री जो बिजनेस है वो कहाँ पर जाएगा, उसका कोई अभी ठिकाना नहीं कि वो जाएगा कहाँ। और सबसे बड़ी बात, उस बिजनेस से, उस फैक्ट्री से लाखों लोगों की ज़िंदगी चलती है जो कि यहाँ पे कमाते हैं, सर्वाइव करते हैं। आपने ऊपर देखा, सर ने बताया कि यहाँ पे कैसे माइंड से जो कम है लोग, बट कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कमा रहा है जिससे उनका परिवार चल रहा हो, ऐसे लाखों लोग हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ से निकलते हैं भाई के साथ, चलते हैं नीचे, ये फैक्ट्री इन्होंने दिखाया मुझे भाई। बड़ा डिफिकल्ट है उतरना, पूरा वर्टिकल। ठीक है भैया, चलते हैं, अच्छा लगा मिलकर, है थैंक यू। सुबह अब यहाँ से मैं निकलता हूँ, और क्योंकि टाइम 12 बजने वाले हैं और मेरी बस है जो 1:30 बजे है। तो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपको यहाँ की जो सिचुएशन है वो सही से पता चली होगी वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप यहाँ के बारे में क्या विचार रखते हो, क्या आपका सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ, और साथ ही आप अपनी भी बात रखो कि क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।